सेकेंड नंबर देखते हैं इसका, एफ एक्स बराबर में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, जीरो टू पाई बंद अंतराल है, यानी जीरो और पाई भी, और इसके बीच के जितने पॉइंट आएंगे उस पर भी। चलिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। देयरफोर एफ डैश एक्स बराबर में जीरो, यहां से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर में जीरो करेंगे, कॉस एक्स बराबर में साइन एक्स हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भाग में लाते हैं, तो साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बराबर में वन, यानी टेन एक्स बराबर में वन आ जाएगा। अब देखो टेन एक्स बराबर वन, यानी कि टेन एक्स बराबर में टेन पाई बाई फोर लिखेंगे, तो यहाँ एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर में हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा, यानी कि पाई बाई फोर, जहां एन बिलोंग्स करेगा जेड से। तो यहां हमें जीरो टू पाई के अंतराल में ही लेना होगा, तो आप जीरो रखोगे तो आ जाएगा पाई बाई फोर, पाई बाई फोर आपका इस इंटरवल में है, लेकिन अगर मैं एन के जगह वन रखूंगा तो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा, माइनस वन पे भी बाहर चलेगा, यानी कि यही एक जो है जीरो टू पाई। तो आपके यहाँ तीन पॉइंट मिल रहे हैं, पाई बाई फोर, जीरो और पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स बराबर जीरो पर एफ जीरो बराबर साइन जीरो प्लस में कॉस जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वन, यानी वन, एक्स बराबर पाई बाई फोर पर फंक्शन एफ पाई बाई फोर, यानी कि साइन पाई बाई फोर प्लस में कॉस पाई बाई फोर, साइन पाई बाई फोर का वन बाई रूट टू और कॉस पाई बाई फोर का वन बाई रूट टू, यानी कि टू बाई रूट टू। परिमेयकरण कर सकते हैं, तो परिमेयकरण करेंगे ना, तो यहाँ पे देखो रूट टू से ऊपर भी गुना है ना, और नीचे भी गुना, तो आपका आ जाएगा टू बाई रूट टू इंटू में रूट टू, ऊपर भी नीचे भी, तो टू रूट टू बाई टू, टू से टू कट जाएगा, रूट टू आ जाएगा, यानी वन पॉइंट फोर वन, रूट टू का मतलब वन पॉइंट फोर वन, एक्स बराबर पाई पर एफ पाई, यानी साइन पाई और प्लस में कॉस पाई, साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू जीरो और कॉस पाई का, यानी साइन कॉस 180 का माइनस का वन, यानी माइनस वन आ जाएगा। तो सबसे कम यह रहा और सबसे अधिक यह रहा रूट टू, समझ गए ना। लिख सकते हैं कि निरपेक्ष निरपेक्ष निम्नतम मान, निम्नतम मान जो होगा वह माइनस वन, और निरपेक्ष उच्चतम मान जो होगा, उच्चतम मान जो होगा वह रूट टू हो जाएगा। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर